नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज क्यूबी और मैं हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार अफसरों से हर साल लेगी बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी और बैंक बैलेंस का हिसाब। स्पैरो पोर्टल तैयार। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 यूपी में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का अभियान चला रही है। इसी के तहत मंत्रियों से हर साल अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। मंत्रियों के साथ सरकार ने पीसीएस अधिकारियों के लिए भी हर साल अपने बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, प्लॉट सहित पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए एनआईसी के जरिए स्पैरो यूपी पोर्टल तैयार हो गया है। पोर्टल पर पीसीएस अधिकारियों को हर साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी से 21 जनवरी के बीच अपनी संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा। अधिकारियों को का लॉग इन और पासवर्ड दे दिया गया है। आईएएस अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पहले से अनिवार्य है। भारत सरकार के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत यह व्यवस्था पहले से लागू है। अधिकारियों को स्पैरो सॉफ्टवेयर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारियों के लिए लागू व्यवस्था की तर्ज पर ही यूपी सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिए भी यह व्यवस्था लागू कर दी है। यूपी गुणवत्ता युक्त होगी पैरा मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई। योगी सरकार ने बनाई योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने एनएम, जीएनएम और पैरा मेडिकल कोर्सेज संचालित करने वाले सेंटरों पर सिकंजा कस दिया है। इनमें मानक के अनुसार पढ़ाई पारदर्शिता और सूचिता के साथ परीक्षा के लिए एनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल छात्रों को अब दूसरे सेंटरों पर एग्जाम देने होंगे। योगी 1.0 में नर्सिंग और पैरामेडिकल की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से 4,743 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 1,02,041 युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन चयन सिर्फ 3,014 युवाओं का ही हो पाया था। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के आवेदन के बावजूद मात्र 3% ही उत्तीर्ण हुए थे। इसका मुख्य कारण अभ्यर्थियों का अयोग्य होना पाया गया था। सीएम योगी ने इसे गंभीरता से लिया था और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मानक के अनुसार नर्सिंग और पैरा मेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई कराने के निर्देश दिए थे। महिला सुरक्षा और स्वावलंबन पर योगी सरकार की खास नजर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्वावलंबन और सुरक्षा पर योगी सरकार खास तवज्जो दे रही है। महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम जहां विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर मंचलों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, वहीं महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न हेल्पलाइन नंबर और पैम्पलेट देकर सजग किया जा रहा है। यूपी पुलिस ने अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए इस बारे में जानकारी देते हुए कई तस्वीरें शेयर की और जरूरी अपडेट दिए। अराजक तत्वों और मंचलों के खिलाफ कार्यवाही और महिलाओं को जागरूक करने में जुटी कानपुर आउटर पुलिस ने देश के पहले बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग मंच को ऐप पर अपने आधिकारिक हैंडल पर चर्च 4 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा। मिशन शक्ति के तहत थाना बिलहौर एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र बिलहौर में विभिन्न स्थानों पर अराजक तत्वों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाकर महिलाओं व छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी देकर सुरक्षा का एहसास कराया। छोटे कारीगरों को ऑनलाइन बाजार देने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। बिचौलिए होंगे खत्म, सीधे मिलेंगे खरीदार। ई कॉमर्स कंपनियों का एक अधिकार खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए गए एक कदम ने उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे कारीगर के लिए भी विश्व बाजार के रास्ते खोल दिए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है, उसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने पोर्टल ojopmart.com को जोड़ने जा रही है। ONGC प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद ojopmart पोर्टल पर पंजीकृत यूपी के सभी कारीगरों के उत्पाद उन सभी ई कॉमर्स साइटों और सेलर ऐप पर भी प्रदर्शित होंगे जो ONGC से जुड़े होंगे। इससे बिचौलिए भी खत्म होंगे और कारीगर मनचाही कीमत पर उत्पाद सीधे खरीदार को ऑनलाइन बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में सत्ता संभालते ही एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को अपनी प्राथमिकता में रखा, जिसका परिणाम भी सामने आया। हर जिले से निर्यात का आंकड़ा बढ़ा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की पहुंच गया है। अब इसे 3 लाख करोड़ के पार ले जाने का लक्ष्य है। इस दिशा में सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है।
यूपी के 2997 युवाओं को लेकर क्या करने जा रही योगी सरकार। 17 जिलों के लोगों को पहले मिलेगा मौका। शहरी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 2997 युवाओं को नगर निगम से जोड़ा जाएगा। भविष्य में इनका काम देखकर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इन्हें अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लोगों से मिलकर ये उनके सुझाव लेंगे और योजनाएं तैयार कराने में मदद करेंगे। राज्य सरकार शहरों के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री फ्लोशिप योजना तैयार की गई है। इसके सहारे विकास योजनाओं को तेजी से पूरा कराया जाएगा। इसलिए युवाओं को जोड़ने की योजना तैयार की गई है। मुख्य रूप से यातायात, मलिन बस्ती विकास, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं बढ़ाना है। ये युवा इस संबंध में लोगों से राय शुमारी करते हुए रिपोर्ट तैयार करेंगे। साथ में सरकारी योजनाओं का सोशल ऑडिट भी करेंगे। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए छात्रवास, स्नातक, युवा निकायों और स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। इन्हें इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए बताना होगा कि किस निकाय में इंटर्नशिप करना है। ऐसे प्रमाण पत्र वालों को नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। यूपी टीचर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, मिलेगी 1,00,000 रुपए तक सैलरी। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में ट्रेड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेड टीचर की भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू कर दिए। इन शिक्षक पदों पर भर्ती के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई 2022 है। इस भर्ती के माध्यम से पीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही फीस ऑनलाइन जमा करने की आखिरी तारीख 6 जुलाई 2022 है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी उम्मीदवारों को फीस के रूप में 750 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही एससी वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपए फीस के रूप में देने होंगे। पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले 500 अंकों की एक सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के जरिए होगा। पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। लिखित परीक्षा 425 अंकों की होगी और इंटरव्यू के लिए 50 अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन दूसरे राउंड यानी इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। इंतजार खत्म, यूपी में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की बंपर वैकेंसी, आवेदन शुरू। upscssb.org से करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए बंपर वैकेंसी जारी हुई है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 4,163 सीटों पर भर्तियां होंगी। इसमें टीजीटी श्रेणी में 3,539 सीटें और पीजीटी के लिए 624 सीटों पर भर्तियां होंगी। यूपी में शिक्षक के पदों पर सरकारी नौकरी पाने का यह शानदार मौका है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट upscssb.org पर जाना होगा। यूपी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 9 जून 2022 से शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 3 जुलाई 2022 तक का समय दिया गया है। वहीं एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 6 जुलाई रखी गई है। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। 21 जून से चलेगी IRCTC की पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, इन शहरों से गुजरेगी। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के एक आधिकारिक बयान के अनुसार 21 जून को नई दिल्ली से भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत दो देशों को पर्यटक ट्रेन के माध्यम से जोड़ने वाली भारत की पहली एजेंसी बनाएगी। श्री रामायण यात्रा सर्किट पर ट्रेन सफदरगंज रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी और भारत और नेपाल के बीच लगभग 8,000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। ये ट्रेन रामायण सर्किट के साथ चलेगी जो स्वदेशी दर्शन योजना का हिस्सा है और इसमें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थान शामिल है। इस यात्रा में नेपाल के जनकपुर में राम जानकी मंदिर के इतिहास में पहली बार रेल की सवारी शामिल होगी। नेपाल सरकार ने IRCTC की भारत गौरव ट्रेन को वहां संचालित करने के लिए हरी झंडी दे दी है। भारत सरकार आपको बता दें जिसमें भारत से पहली पर्यटक ट्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पड़ोसी देश में जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
ट्रेन नेपाल में भगवान राम से जुड़े गंतव्यों धनुषा पहाड़, बावन बीघा क्षेत्र, मां जानकी जन्मस्थली मंदिर और श्रीराम विवाह स्थल को कवर करेगी। IRCTC के अनुसार 600 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन अयोध्या, बक्सर, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हिम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम और भद्रांचलम जैसे महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरेगी। यूपी में रहेगा लू का कहर, मौसम विभाग ने बताया कैसा होगा आने वाला हफ्ता। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को राज्य के अलग अलग स्थानों पर लू की स्थिति और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। बुधवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लू की तीव्रता में मामूली गिरावट आई। IMD बुलेटिन के अनुसार पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शुक्रवार तक हीट वेव की स्थिति जारी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों ने तेज पश्चिमी डिस्टर्बेंस की कमी और लगातार गर्म और शुष्क पश्चिमी हवाओं को लू के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि एक ताजा पश्चिमी डिस्टर्बेंस पंजाब और हरियाणा पर एक चक्रवात का कारण बन सकता है, जिसे हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10-11 जून तक रुक रुक कर प्री मानसून गतिविधि हो सकती है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से कम 4.5 डिग्री अधिक होने पर हीट वेव घोषित की जाती है। IMD के अनुसार यदि सामान्य तापमान 6.4 डिग्री और बढ़ा तो एक गंभीर हीट वेव घोषित की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी प्रगति मैदान में करेंगे बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इसके बाद इस अवसर पर उनका संबोधन होगा। पीएमओ के अनुसार बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 दो दिवसीय कार्यक्रम है जो 9 और 10 जून को आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया जा रहा है। ये BIRAC की स्थापना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो का विषय बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत है। एक्सपो उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग जगत के नेताओं, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, जैव इंक्यूबेटरों, निर्माताओं, नियामकों, सरकारी अधिकारियों आदि को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में क्या कार्य करेगा। एक्सपो में लगभग 300 स्टॉल लगाए जाएंगे जो स्वास्थ्य, जीनोमिक्स, बायोफार्मा, कृषि, औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिक, अपशिष्ट से मूल्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करेंगे। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल की न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।